हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं देखो ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, बाहर से, और टाइम हो रहा है दोपहर के 12 बज रहे हैं, बिल्कुल सही। और मतलब सोफू को स्कूल में जाते हुए कुछ टाइम हो गया है, मतलब 2-3 दिन हो गए। आज मंडे से जाने लगी थी, आज वीरवार है। और वैसे उसके स्कूल का टाइम ख़त्म होता है 1:20 पे, ख़त्म हो जाता है मतलब स्कूल। और फिर उसका ना मन नहीं लगा स्कूल में, तो बोल रही थी आज जाते टाइम रो रही थी, बोली मम्मी मेरे को ना जल्दी लेने आ जाए ना, तो उसकी मम्मी तो कॉलेज में है, तो फिर आज मैं जा रही हूँ उसको 12 बजे लेने, बिकॉज फिर वो जाएगी नहीं, बच्चा हिलेगा ही नहीं, फिर क्या फ़ायदा है। तो उसी को लेने जा रही हूँ स्कूल में, और तो चलो उसके स्कूल में जाके उसके साथ मिलते हैं। और एक पार्सल भी आया हुआ है और उसकी अनपैकिंग करनी है। और धूप तो इतनी तेज हो रही है ना, क्या बताओ, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। तो चलो उससे मिलेंगे स्कूल में और उसका एक्सपीरियंस भी बताऊंगी, वो फर्स्ट डे पे उसके साथ क्या हुआ, मतलब सारी बातें बताएंगे। चलो उसको आने दो फिर। और रूही को तो 1:20 पे लेके आएंगे, दोनों का सेम स्कूल है, तो फिर चलो। आ गया वंदु दीदी, अभी नहीं जाएगी वंदु दीदी की क्लास, ये वाली है इस क्लास में। क्या ये री सोफू की क्लास ये वाली? हाँ डांटती है मैडम, शरारत करते हैं तब। आप शरारत करते हो क्या? ना आज नहीं करी, बोल रही है थोड़ी थोड़ी शरारत करते हैं। अब ठीक है ना, आज जल्दी लेने आ गई, ऐसे डेली ना जल्दी लेने आ जाएंगे तेरे को, ठीक क्या? ठीक है। कितने मुद्दे आ जाना? बोल रही है मौसी अभी तो मेरे 2 ही पेज नहीं हुए, तो कल ना लेट आना थोड़ी सी, फिर मैं 2 पेज कर लूं। क्या खा रहा है? खरबूज। खरबूज स्टार्ट तो पहले कर चुके हैं, स्टार्ट तो पहले कर ही चुके हैं, अब तो इसको बोले। तो गाइस देखिए, सोफू भी स्कूल से आ गई है, तो आज जो ये पार्सल आया हुआ है जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो फिर ये है रुई की मम्मा का, और जो कि हमारे एड्रेस पे आते हैं सारे पार्सल, बिकॉज इनके घर पे तो कोई होता नहीं है, कोई होता है तो वो लेने वाला कुछ नहीं होता, तो क्या कुछ। तो फिर ये वैसे ही मेरे फोन से ऑर्डर किया हुआ है, तो फिर चलो इसकी करते हैं अनपैकिंग, और लग जाएगा आराम से, ठीक है? हाथ लगाओ, हम दोनों इस सुबह अपने सुबह हाथों से करेंगे अनपैकिंग। मैंने एक बार नो किया था, दीदी खोली। नहीं नहीं नहीं, और सोफू का फर्स्ट डे कैसा था स्कूल में बताना? बहुत अच्छा। फर्स्ट डे अच्छा था बहुत। और तो चलो बातें अनपैकिंग भी हो गई है, और ये है एक हैंडबैग जो कि हमें मिला है 203 रुपीज का, और जो कि है मीशो से, मतलब मीशो से शॉपिंग की है ये। और खोलो फिर, नहीं उसकी कटर की जरूरत नहीं है, ऐसे ओपन हो जाएगी। ये देखो ऐसे, ये देखो यहाँ से ऐसे, हाँ ये एक हैंडबैग है। हैंडबैग तो शायद मैंने फर्स्ट टाइम मतलब ऑर्डर किया मेरे फोन से, मतलब दीदी के लिए, दीदी ने तो पहले भी ऑर्डर किया हुआ एक दो। और पेंडेंट ये है एक, मतलब नेवी ब्लू कलर है, और मतलब 203 रुपीज के अकॉर्डिंग तो मतलब हाँ ठीक ही लग रहा है ना। तो चलो सबसे पहले ये वाली है इसके सबसे ऊपर पॉकेट, और ये देखिए मतलब 1, और ये देखिए, और इसके बाद ये सेकंड नंबर। एक में मम्मी मेकअप डालेगी, तेज हो रहा है मैं। हाँ, और इस ऊपर वाले में, और सामान ये देखिए सामान डालेगी। अच्छा, तुम्हें अपना खुद का 2, ये देखिए 2,
इसमें रंग कौन डालेगा? फिकर है इसको, तब होली आएगी ना। अच्छा होली आएगी तब। फोर मतलब 1 2 3 4 फोर पॉकेट हो चुकी है अब तक तो। तो फिर फोर के बाद ये रही अपनी फाइव और इधर कुछ नहीं है। फाइव के बाद ये इसमें है, फाइव के बाद सिक्स और सिक्स के बाद अंदर एक और छोटी सी पॉकेट है जो कि सेवन और एट पॉकेट गाइस, मतलब एट पॉकेट है इसमें। और मतलब क्वालिटी भी मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग तो ठीक ही है और मतलब अच्छा है कुल मिला के, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा है। और मतलब साइज तो इसका मतलब नॉर्मल है, ना ज्यादा बड़ा और ना ही ज्यादा छोटा है, मतलब ठीक मतलब ठीक लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, क्या करेगी। और सोपू के फर्स्ट डे पता है क्या हुआ? सोपू फर्स्ट डे रोने लग गई थी स्कूल में। देखो ना सोपू ना फर्स्ट डे रोने लग गई थी स्कूल में। अरे सब अपनी बात है, नानी को दिखा सोपू की नई बोतल। सोपू मैं आपकी पानी की बोतल ले लूं क्या? पानी मैं आपकी पानी की बोतल ले लूं क्या? ले लू ना, ले लू। मैं नानी के जाऊंगी तब ले जाऊंगी, नहीं दे रही है अपनी चीज। बच्चे छोटे होते तब नहीं देते है ना। तो आई होप यू गाइस आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा कुछ दिखा रही हूँ, ठीक है ले आओ कुछ दिखाएगी। और हाँ सोफू की मतलब बैग भी नया दूसरा ले आया, क्योंकि जो पहले ऑर्डर किया था वो थोड़ा सा बड़ा आ गया था। ले देखो और चप्पल, चप्पल का बैग लेके आओ, आपका बैग दिखाते हैं। चप्पल दिखा रही है बिकॉज ये नई पहले की लाई हुई पड़ी, वो निकाली है मम्मी ने अंदर से तो वही दिखा रही है। तो सोफू का बैग भी देख लेना आप, बुक्स भी देख लेना। मतलब स्कूल में आजकल रख लेते हैं बुक्स वगैरह, तो इसकी बुक्स को कवर नहीं किया था बिकॉज जो कवर लेके आए वो खत्म हो गया और रूही के आधी नोटबुक पे कवर किए गए थे, तो आधी नोटबुक तो रहेगी थी। ये देखिए सब का नया बैग ये लिया है रेड कलर का, और रेड कलर की बोतल दोनों मैचिंग मैचिंग क्यूट क्यूट है ना। और इधर मैं बोतल ही डालता। और ये देखिए ये रही सोफू की बुक्स, सोफू की बुक्स वन कितने सौ टू थ्री फोर फाइव सिक्स और एक घर पे पड़ी है ना। हाँ। एक घर रखी हुई है टू नोटबुक, और इनपे कवर करना रह गया था बिकॉज खत्म हो गए थे उनको, क्या इतनी इतनी बुक्स इससे ज्यादा 21 22 इसके आसपास रही थी है नोटबुक्स। ये बुक्स नोटबुक तो अलग ही है, इतनी इतनी बेचारे छोटे बेबी। और सोफू हमारी नर्सरी क्लास में ड्रॉइंग की है, ये भी ड्राइंग है। देखो पीछे देखो टेरा वाला है। ओ लॉयन टाइगर है, लॉयन नहीं सॉरी टाइगर। टेंपल ए अंगूर दिखाने दिया। हाँ अंगूर से याद है मैंने ना अंगूर ना फ्रीज में रखे थे पूरी रात को, मतलब पानी के अंदर उनको वॉश करके और एयर टाइट कोई बॉक्स के अंदर डाल दो, मतलब टिफिन में एयर टाइट टिफिन वगैरह में डाल दो और पानी में उनको अच्छे से बॉक्स वॉश करके और मतलब उनके ऊपर पानी लगा होना चाहिए, फिर फ्रीजर के अंदर रख दो। और सुबह उठ के मतलब रात को रखे थे मैंने, सुबह उठ के उनको देखा ना इतने टाइट मतलब इतने स्वीट और अंदर भी ऐसे ना उनके बर्फ मतलब इतनी टेस्टी हो रहे थे ना, क्या ही बताओ आपको, दिखाती हूँ अभी लाके मैं। देखिए इसमें रखे थे मैंने रात को और सुबह ना फिर मम्मी ने निकाल दिए, ये मम्मी ने सोचा किसने रखे है और फिर मम्मी ने बाहर रख दिए और अब मैंने ये ना अभी रखे थे बस, तो अभी तो ये थोड़े से मतलब नॉर्मल, अब दोबारा रखने से तो ये थोड़े ऐसे हो गए, मतलब जब रखे थे ना इतने टाइट थे इतने मतलब बाहर से ऐसे व्हाइट व्हाइट दिख रहे थे। देखो ये नीचे नीचे पड़ा हुआ है, देखो बर्फ, देखो बर्फ।
ये देखो ये अंगूर, मतलब खाने में ना ये देखो इतना टाइट, मतलब इसके अंदर ना बर्फ है। जिसको आइस पसंद है ना, जिसको बर्फ पसंद है वो तो, और जिसको अंगूर भी साथ में पसंद है तो वो तो नेक्स्ट लेवल की दुनिया में पहुंच जाएगा इसको खा के। बता वाला। तो आई होप यू गाइज आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय, जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस ब्लॉग, बाय, लव यू।